उत्तराखंड जैसे तमाम हिमालय क्षेत्र में बड़े भूकंप को लेकर कही जाने वाली बात अब लोगों को पुरानी लगने लगी है, लेकिन वैज्ञानिक अपने दावे पर अडिग हैं। हालांकि भूकंप कब आएगा इसको लेकर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन एक जो बड़ी बात सामने निकल कर आई है वो ये है कि सरकार इस पूर्वानुमान को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक तो शोध के मामले में आज भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं, वहीं सरकार शोध को लगातार नजरअंदाज कर रही है। देखिए, इस पे दो चीज है। एक तो उनको पहले पता होना चाहिए कब पहले अर्थक्वेक आया था। तो ये जो रीजन है नेपाल से लेके हिमाचल तक पूरा उत्तराखंड, इसमें 500 साल पहले एक बड़ा अर्थक्वेक आया था। उसके बाद बड़ा अर्थक्वेक जिस हिसाब से हम लोग कहते हैं वो नहीं आया। अभी नया जो टेक्निक है जिससे GPS से हम लोग मेज़र करते हैं जो इंडिया प्लेट कितना आगे बढ़ रहा है और इससे उत्तराखंड हिमालय रीजन में कितना स्ट्रेन एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो हिसाब है कम से कम 2 सेंटीमीटर पर ईयर वो छोटा होता जा रहा है। तभी 500 साल में 2 सेंटीमीटर पहाड़ी हिसाब से आप लगा लीजिए 10 मीटर छोटा हो गया। अभी 10 मीटर ये जो छोटा हुआ है ये अभी बड़ा भूकंप का चलते उसको रिलीज होना है, होना ही है, इसका और कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है एक गैप एरिया है जो इसमें बड़ा भूकंप नहीं आया बहुत दिन से, एनर्जी एक्यूमुलेट होते जा रहा, अभी कभी भी बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल समेत पूरा हिमालय रीजन में 500 साल पहले बड़ा भूकंप आया था और उसके बाद से कोई बड़ा भूकंप अभी तक नहीं आया है। बता दें कि यहाँ बड़े भूकंप की एक अलग परिभाषा है जो कि अब तक नहीं आया। नेपाल में आया भूकंप भी बड़े भूकंप में वैज्ञानिकों के अनुसार नहीं माना जाता है। बड़े भूकंप को लेकर तमाम तरह के दावे पहले भी किए गए हैं और इसके पीछे की थ्योरी भी साफ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये भूकंप कहाँ पर आएगा और इसकी तीव्रता क्या होगी। देहरादून से न्यूज़ के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट।